हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेबी सनरोज प्लांट है जो इस टाइम काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहा है। देखिए ये सब काफ़ी अच्छे से इसमें फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं। ये ऊपर भी काफ़ी इजी टू ग्रोइंग है फ्रेंड्स। ये और देखिए, मैंने ये काफ़ी कटिंग भी लगा रखी है इसकी। बहुत इजी टू ग्रोइंग हो जाता है ये प्लांट, किसी भी आप छोटी चीज़ में आराम से इसे लगा सकते हैं। बस इसे आप थोड़ा पानी कम दीजिए फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप इसे ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। मैंने इसकी बहुत सारी और भी कटिंग लगाई हुई है और मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्लांट गिफ्ट भी किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है, बहुत इजी टू ग्रोइंग है। और अभी मैंने इसको रिपोर्ट किया हुआ है क्योंकि इससे पहले ये बहुत ही छोटे पॉट में लगा था, तो रूट बाउंड हो गया था। इस वजह से मैंने इसको चेंज किया, रिपोर्ट किया है और इसको मैंने ये बास्केट में लगा दिया है, फ्रूट बास्केट में। और इस टाइम भी इसका काफ़ी अच्छा मौसम है इसका ग्रो होने का, तो इसलिए इसमें काफ़ी अच्छे ब्लूमिंग भी हो रही है। इसमें बहुत बर्ड भी आ रहे हैं जगह जगह। काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, देख सकते हैं सब काफ़ी फूल खिले हुए हैं इसमें। तो इस टाइम ये इसका पीक सीजन है, तो आप भी इसको ग्रो कर सकते हैं। कहीं से आप कटिंग ला के या आप अपनी नर्सरी, अपने आसपास नर्सरी से लेके इसको आप आराम से लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और एक आप छोटी सी कटिंग भी अगर आप ले लेंगे तो ये इससे आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये कितना सारा इसको ग्रो किया है। इसको थोड़ा पानी कम चाहिए होता है फ्रेंड्स, इसे तेज़ धूप ज़्यादा पसंद होती है। और अगर ये तेज़ धूप में हो तो ऐसे ही ब्लूम करता है, तो इसे आप थोड़ा बस पानी कम दीजिए। और फुल सनलाइट वाला प्लांट है ये। और इसमें मैंने दो तीन दाने, बस सिर्फ दो तीन दाने DAP के भी डाले थे। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ब्लूम कर रहा है। काफ़ी अच्छे इसमें बर्ड भी बहुत आई हुई है फ्रेंड्स, बहुत बर्ड आई हुई है। बहुत ही फूल भी खिले हैं, बहुत प्यारे। बहुत सारे फूलों को देख के लगा कि मुझे आप लोगों को ये शेयर करना चाहिए, आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि कितना अच्छा प्लांट है ये, कितना खूबसूरत भी लग रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। और ये बेबी सनरोज प्लांट भी, तो आप इसको ज़रूर कहीं से कटिंग ले लीजिए या आप नर्सरी से ले लीजिए। वैसे मैंने तो ये फ्रेंड्स ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो आप भी ले सकते हैं इसको। और अगर आपके आसपास कहीं भी हो तो आप ये थोड़ी सी छोटी सी इसकी ऐसे कटिंग ले लीजिए और आराम से इसको ग्रो कर दीजिए। वैसे तो ये कोकोपीट में काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है, बहुत जल्दी ग्रो होता है। और अगर आपके पास कोकोपीट नहीं भी है तो आप इसकी बहुत सॉफ्ट सॉइल बनाइए, इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट सॉइल बनाइए। देखिए इसकी कितनी सॉफ्ट सॉइल है ये, तो आप इतनी सॉफ्ट सॉइल बनाएंगे ऐसे तो ये आराम से ग्रो हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।